अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस एन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने बॉर्डर को स्टडी किया था और ये देखा था कि हम सीएसएस में बॉर्डर इमेज कैसे लगाते हैं। उसी के साथ बॉक्स मॉडल में हमने अभी तक कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर, इन तीन एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया है। आज की वीडियो में हम बॉक्स मॉडल के लास्ट एलिमेंट को स्टडी करेंगे, जो है मार्जिन। चलते हैं वीडियो की तरफ। CSS में मार्जिन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या होता है और किस तरह यूज होता है, मैं ब्राउजर को ओपन करूंगा और यहां पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। यहां पर बॉक्स मॉडल में ये जो साथ में हमारे पास स्टाइल का टैब होता है, इसमें एंड पे हमारे पास ये बॉक्स मॉडल होता है, जिसको अभी तक हमने काफी डिटेल में देख लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ये कंटेंट होता है, जो कि एक्चुअल जिसमें डाटा शो हो रहा होता है। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर इस डिव में पेस्ट करूंगा तो वो यहाँ पे इस कंटेंट सेक्शन में शो होगा। फिर पैडिंग, जो कि कंटेंट और बॉर्डर एरिया के दरमियान में स्पेस होती है, जिसमें कि कंटेंट नहीं आ सकता, ओके, अनटिल अनलेस कि हम किसी तरह उसको प्रॉपर्टीज दे के वहां तक ले आए। बाई डिफॉल्ट ये अपने कॉन्टेंट सेक्शन में ही रहता है। उसके बाद बॉर्डर, जो कि पैडिंग के बाद आता है, और ये पैडिंग और बॉर्डर ये दोनों जो एलिमेंट होता है उसकी विड्थ और हाइट में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एलिमेंट की फाइनल विड्थ और हाइट होती है वो कंटेंट की विड्थ और हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, इन तीनों को मिला के जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो इस एलिमेंट की विड्थ और हाइट डिक्लेयर होती है। मार्जिन बेसिकली सीएसएस में हम यूज करते हैं ये जो एचटीएमएल एलिमेंट होता है इसके आउटसाइड स्पेस ऐड करने के लिए, पैडिंग इस एलिमेंट के इनसाइड स्पेस ऐड करने के लिए, और मार्जिन इस एलिमेंट के आउटसाइड स्पेस ऐड करने के लिए, और बाकी जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज और शॉर्ट हैंड है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि पैडिंग की प्रॉपर्टी और उसके शॉर्ट हैंड था। यहां पर मैं कोड एडिटर को ओपन कर लूंगा और index.html को ओपन कर लूंगा। यहां तक लास्ट टाइम हमने अभी तक किया है काम। मैं यहां से style.css को ओपन कर लूंगा और यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको एज इट इज रहने दूंगा। यहां पर मैं स्पेस देके मार्जिन टॉप से स्टार्ट करूंगा और होपफुली आपने गेस कर लिया होगा जैसे पैडिंग टॉप थी, यहां पर जितने पिक्सल मैं ऐड करूंगा यूनिट उतने पिक्सल ये ऊपर से, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ये आउटसाइड स्पेस है तो ये ऊपर उतनी स्पेस खाली छोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने 30 पिक्सल ऊपर स्पेस खाली छोड़ दी और नीचे आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इस पे होवर करता हूं तो ऊपर वो जो ऑरेंज एरिया है वो हाईलाइट हो रहा है। मैं यहां से रिमूव करता हूं तो ये इसका मार्जिन एरिया है। मैं इसे 80 पिक्सल सेट कर देता हूं, सेव, रिफ्रेश, और अब मैं चाहता हूं कि इसके लेफ्ट साइड पर भी 80 पिक्सल का मार्जिन हो ताकि ये जो डिव है ये सेंटर में आ जाए और हम इसको प्रॉपरली देख सकें। ये आपका शॉर्ट चैलेंज है, इसको कंप्लीट करें। इसके लेफ्ट साइड पर मार्जिन ऐड करना है 80 पिक्सल। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश, और यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर मैं अगर मार्जिन राइट या बॉटम ऐड करूंगा तो उससे विजुअली हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होवर करके देख सकेंगे लेकिन उसके अलावा विजुअली हमें चीज नजर नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पैडिंग होती है ये बैकग्राउंड कलर ले लेती है, जो कि हम डिव का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन होता है इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आता। आप इसका बैकग्राउंड कलर कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप इसको किसी और डिव में रैप करें और फिर उस डिव को बैकग्राउंड कलर दे दें, जो कि एक वर्क अराउंड एक किस्म का है, प्रॉपर वे है, लेकिन मार्जिन को आप बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, मैं यहां पर सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है उसको यहां पर ऐड करूंगा और उसे रैंडम वैल्यू असाइन कर दूंगा। रिफ्रेश करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर 80
70, 60 और 80, इस तरह ये पिक्सल मार्जिन ऐड हुआ है। और जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये सेक्शन को हाईलाइट करके भी दिखा देता है। आपको ये जो क्रोम ब्राउजर का डेव टूल है इसके साथ अच्छे से फेमिलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि डीबगिंग में हम फ्रंट एंड डीबगिंग में बार बार इसी को यूज करते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ पर HTML का काम होता है, स्टाइल में यहाँ पर हमारे पास CSS का काम होता है, और कंसोल में हमारे पास यहाँ पर JavaScript का काम होता है। ये हमने यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी को स्टडी किया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन की प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड फॉर्म क्या है। मार्जिन की प्रॉपर्टी के लिए जो शॉर्ट हैंड हमारे पास अवेलेबल है वो बिल्कुल सिमिलर है जो कि हमारे पास पैडिंग के लिए अवेलेबल था। यहाँ पर मैं सिर्फ मार्जिन लिखूंगा और ये भी सेम काम करता है, टॉप फिर राइट उसके बाद बॉटम फिर लेफ्ट। और जो दूसरा शॉर्ट हैंड इसका है वो है टॉप या फिर इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और लास्ट जो शॉर्ट हैंड है इसका मार्जिन ऑल। ओके, इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट हैंड्स हैं लेकिन ये मोस्ट यूज शॉर्ट हैंड हम यूज जो करते हैं। यहां पे मैं तीनों एक दफा यूज करके दिखा दूंगा, इसे रिमूव करूंगा और यहां पर 1x1 30 pixel, 40 pixel, 50 pixel और 60 pixel। सेव, यहां पर रिफ्रेश किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद इसे कमेंट, इसे अनकमेंट किया और इसे कमेंट रहने दिया। यहां पर मैंने 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, सेव रिफ्रेश, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अप्लाई हो गया। और यहां पर भी 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 और 100। लास्टली कमेंट, अनकमेंट और यहां पर मैंने कह दिया 100 पिक्सल, सेव रिफ्रेश और यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों साइडों पे 100 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो चुका है। इसी के साथ हमने CSS का जो बॉक्स मॉडल था उसको डिटेल में इन डेप्थ प्रॉपरली स्टडी कर लिया है कि ये हमारा कंटेंट सेक्शन होता है, ये पैडिंग सेक्शन होता है, ये बॉर्डर सेक्शन होता है और ये मार्जिन सेक्शन होता है। कंटेंट में जो एक्चुअल टेक्स्ट और एलिमेंट्स होते हैं वो शो होते हैं, पैडिंग जो होता है ये कंटेंट के गिर्द स्पेस होती है और ये हाइट और विड्थ में एड अप हो जाती है। बॉर्डर ये पैडिंग के बाद स्पेस होती है और ये बॉर्डर बेसिकली एलिमेंट का बॉर्डर इससे डिफाइन होता है, और इसकी भी जो विड्थ और हाइट होती है वो एलिमेंट की विड्थ और हाइट में एड अप हो जाती है। मार्जिन ये बेसिकली एलिमेंट के आउटसाइड स्पेस होती है जो कि दूसरे एलिमेंट से इसको अलहदा करती है, और ये इसकी जो विड्थ और हाइट है ये एलिमेंट की विड्थ और हाइट में एड नहीं होती। मीन यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट पे होवर करूंगा तो इसकी विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं कि सिर्फ 514 पिक्सल ही है, इसकी विड्थ और हाइट 174 पिक्सल है, जो कि आप इन सबको एड अप करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि मार्जिन की प्रॉपर्टी CSS में किस तरह काम करती है और उसी के साथ हमने बॉक्स मॉडल को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के मुतालिक बताऊंगा जो है बॉक्स साइजिंग, जिसके साथ हम इस चीज को कंट्रोल करेंगे कि जब हम पैडिंग और बॉर्डर असाइन करें किसी एलिमेंट को तो उसकी विड्थ और हाइट चेंज नहीं होनी चाहिए। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।